हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि सीई 202 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। सीई 202 सब्जेक्ट कोड में आपके जो ओपन चैनल फ्लो हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने चैनल्स के क्लासिफिकेशंस, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में डिस्कस किया था, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इसी के साथ हमने लास्ट क्लास में देखा था फ्लो मेज़रमेंट इन ओपन चैनल्स। तो आज एक और चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है आपका सबसे पहला आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रफनेस कोफिशियंट। रफनेस कोफिशियंट का मतलब रुक्ष गुणांक, मतलब हम मैनिंग्स में भी पढ़ते हैं कि जो एन वैल्यूज़ है वो एक तरह से आपका रफनेस कोफिशियंट है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है या किन चीज़ों की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, किन चीज़ों की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस आते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि जो ये आपका रफनेस कोफिशियंट है वो किन किन फैक्टर्स कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है सरफेस रफनेस के ऊपर, मतलब नाली को बनाने वाले कणों के आकार व आकृति पर रुक्ष गुणांक का मान निर्भर करता है। मतलब जिस मटेरियल से आप उसको चैनल को कंस्ट्रक्ट करते हो, बेड को आप कंस्ट्रक्ट करते हो, उसके जो मटेरियल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं या कण हैं, उनकी साइज और उनके आकारों पर भी आपका सरफेस रफनेस डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई सतह की रुक्षता के हिसाब से। दूसरा है सिल्टिंग। सिल्टिंग मतलब रुक्ष नालियों में सिल्ट के जमाव के कारण नाली चिकनी हो जाती है, मतलब जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है उसके चिकनेपन होने की वजह से, जिससे रुक्ष गुणांक जो आपका सरफेस रफनेस कोफिशियंट है वो आपका कम हो जाता है। तो सिल्टिंग की वजह से जो आपका रुक्ष गुणांक है वो आपका वैल्यू उसकी कम हो जाती है। इसके बाद जो आपका ये डिपेंड करता है वाटर सरफेस, मतलब जल की सतह। जल की सतह मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ओपन चैनल फ्लो में आपका किस डेप्थ पे आपका फ्लो होता है, जैसे जैसे नाली का जल का तल अर्थात गहराई बढ़ती है वैसे वैसे एन का मान आपका कम हो जाता है। मतलब गहराई मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ने के साथ साथ आपकी जो एन वैल्यूज़ है, मतलब रफनेस कोफिशियंट है जो भी, वो उसकी वैल्यूज़ आपकी कम होती जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रवाह की दर, मतलब रेट ऑफ फ्लो, प्रवाह की दर डिस्चार्ज जितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि प्रवाह की दर ज़्यादा है या कम है, तो प्रवाह की दर बढ़ने पर एन का मान बढ़ जाता है। मतलब अगर आपकी प्रवाह मतलब रेट ऑफ फ्लो आपका इंक्रीज़ होगा तो उसी हिसाब से जो रफनेस कोफिशियंट्स है उसकी वैल्यूज़ भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो बात हुई कि जो रफनेस कोफिशियंट्स हैं वो किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं, या जो फैक्टर है वो आपका क्या क्या है उसको अफेक्ट करने वाले, ये तो बात हुई फैक्टर्स की। इसके बाद एक और इसमें आपका टॉपिक ऐड है, वो टॉपिक ऐड है कि जो वैल्यूज़ हैं, इस डिफरेंट वैल्यूज़ हैं रफनेस कोफिशियंट मैनिंग्स में एन की, वो विभिन्न चैनल की कंडीशंस पे कैसे कैसे डिपेंड करती है, उनकी वैल्यू कैसी होती है, चैनल की कंडीशंस कैसी है, तो उसके बाद हम देखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें, ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको, या तो टाइप्स ऑफ सरफेस है, एक कॉलम में आपका टाइप्स ऑफ सरफेस है, दूसरे में आपका जो मैनिंग्स एन है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये एक से लेके छः तक आपकी डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल कंडीशंस हैं, सरफेस की कंडीशंस हैं या चैनल्स की कंडीशन है या चैनल के प्रकार हैं, किस किस कंडीशंस में वो हैं उसके हिसाब से जो एन है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ, पहला क्लासिफिकेशन अर्थ चैनल क्लीन स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म। अगर इस तरह की आपकी चैनल की कंडीशन है, मतलब क्लीन स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म, तो उस केस में जो मैनिंग्स एन है कोफिशियंट है वो आपका 0.0162 0.020 तक आपकी वैल्यू जाती है। ये वैल्यू आपको दिखती है, इट इज़ फ्रॉम 0.0162 0.020, ये कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें अर्थ चैनल सी है क्लीन बट वेदर्ड है, और उसके लिए ये वैल्यूज़ लिखी हुई है 0.018 to 0.025। तीसरी अगर हम चैनल कंडीशन की बात करें, तीसरे अगर हम बात करें चैनल कंडीशन की अर्थ चैनल विद ग्रास एंड वीड्स, मतलब अगर आपका ग्रास है घास है उसकी वजह से जो वैल्यूज़ में चेंजेस आते हैं, वो वैल्यूज़ में चेंजेस किस हिसाब से जाते हैं वो आपको दिया हुआ है। इट इज़ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन, इट इज़ फ्रॉम 0.022 to 0.033। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी और एक कंडीशन की, कंडीशन क्या है, चैनल्स इन ग्रेवल विद स्टोन्स।
तो उसके लिए जो वैल्यूज़ होगी वो आपकी होगी 0.032.035, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे फोर्थ नंबर पे, चैनल्स इन ग्रेवल्स विद स्टोन्स, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी 0.032.035। नेक्स्ट हम कंडीशन की बात करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे आपकी कंडीशन है चैनल्स इन रॉक, चट्टानी अगर इलाकों में चैनल्स हैं आपके, स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, तो उस वजह से जो वैल्यूज़ होगी वो आपकी होगी 0.025 to 0.04, ये सारी वैल्यूज़ आपकी बढ़ती जा रही हैं, इस क्रम में हमने ये लिया हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका सिक्स्थ नंबर पे चैनल कंडीशन है, टाइप्स ऑफ सरफेस है चैनल्स इन रॉक एंड रफ, मतलब जो सतह है वो आपकी रफ़ है, सरफेस जो आपकी रफ़ है, उस वजह से जो मैनिंग्स की वैल्यू होगी वो आपकी 0.035 to 0.050। तो ये तो बात की हमने कुछ वैल्यूज़ की, जो आपका रफ़नेस कोफिशेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के लिए किस प्रकार से ली जाती हैं उसके बारे में।